बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का सोमवार को निधन हो गया। पिछले कई दिनों से जगन्नाथ मिश्रा का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। 82 साल के जगन्नाथ मिश्रा 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। 80 के दशक में बिहार के चाणक्य कहे जाने वाले जगन्नाथ मिश्रा के बारे में आज के दौर में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए हम आपको बताते हैं उनके जीवन के बारे में। जगन्नाथ मिश्रा का जन्म सुपौल जिले के बलुआ बाजार में 24 जून 1937 में हुआ था। राजनीति में बचपन से ही उनकी रुचि थी। उनके बड़े भाई ललित नारायण मिश्र राजनीति में थे। जगन्नाथ मिश्रा विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। साल 1975 में पहली बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, 1980 में दूसरी बार और 1989 से 1990 तक आखिरी बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, जिसके बाद बिहार में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और लालू प्रसाद यादव पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। जगन्नाथ मिश्रा केंद्र कैबिनेट मंत्री भी रहे। जगन्नाथ मिश्रा का नाम बिहार के बड़े नेताओं में शुमार किया जाता था। कांग्रेस छोड़ने के बाद वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कुछ वक्त पहले वो जेडीयू में शामिल हो गए थे। चारा घोटाला की शुरुआत जगन्नाथ मिश्रा के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ही हो चुकी थी। हालांकि मामले का खुलासा उस समय हुआ जब 1990 के दशक में लालू यादव मुख्यमंत्री थे। जगन्नाथ मिश्रा पर आरोप था कि इन्होंने दुमका और डोरंडा निधि से धोखाधड़ी कर रुपए निकाले। सीबीआई अदालत ने डॉक्टर मिश्रा को 4 साल की सजा सुनाई, साथ ही 2 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया गया था। बिहार के दिग्गज नेताओं में शुमार जगन्नाथ मिश्रा ने दुनिया को अलविदा कह दिया और इसके साथ ही बिहार की राजनीति में एक युग का अंत हो गया। बिहार के चाणक्य कहे जाने वाले जगन्नाथ मिश्रा का अंतिम संस्कार मंगलवार को उनके पैतृक गांव में होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।